ये अच्छा, चलो आप लोग बड़े समझदार हैं। आप लोग कैसे हुआ ये मगर, कैसे पहचाना कि ये मगर है? कैसे पहचाना बताओ? हाँ, कुछ तो पहचान होगी यार, आपने ऐसे कह दिया कि ये मगर है। सर उसकी त्वचा सर, इसकी लाइफ रहती सर। वेरी गुड, व्हाट इज सफिशिएंट आंसर यार। त्वचा या खाल जिसको कहते हैं अपन ऊपर का, वो बिल्कुल इस पेड़ की तरह, या कहना चाहिए कि जो मगर की त्वचा होती है उसी की तरह इस पेड़ की खाल होती है, छाल है ना, इसीलिए इसको कहते हैं जंगल का मगर। इसका हिंदी नाम क्या है? साजा। क्या है? साजा। अपन देव रहते हैं। हाँ, आदिवासी लोग है क्या यहाँ पे कोई? कौन कौन है आप लोग? इस वृक्ष में कौन सा देव कहते हैं? बड़ा देव। जय बड़ा फेन कहते हैं कि नहीं? बड़ा देव। तो आदिवासी जो ट्राइब्स लोग हैं हमारे यहाँ इस वृक्ष में अपने देव को मानते हैं। इसके पीछे एक कहानी सुनाऊं क्या? काटते हैं। हाँ, वो कभी नहीं काटेंगे इस पेड़ को, चाहे जान चली जाए उनकी, पर इस पेड़ को नहीं काटेंगे। उसका रीज़न ये था कि बहुत समय पहले की बात है, एक व्यक्ति जंगल गया। गर्मी का समय था, चारों तरफ सन्नाटा, पानी की कहीं उपस्थिति नहीं है ना। घूम रहा है मारा मारा, उसे कहीं पानी नहीं मिल रहा। इतना गुस्सा आया उसे, समझ लो कि वो आया जिस पेड़ के नीचे आया, पकड़ा और कुल्हाड़ी मार दिया। तो वो पेड़ यही था, इसमें से जब पानी की धार चालू हुई है ना, तो बहुत सारा पानी निकलने लगा। फिर उस मरते हुए इंसान को इस वृक्ष ने पानी पिलाकर जीवन दान दिया, उसे जीवित कर, मतलब वो देखो थक गया था, चूर हो गया था थककर, उसने हिम्मत हार दी थी, कुल्हाड़ी मारकर बैठ गया था, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा चाहे प्राण चले जाए है ना। पर इस वृक्ष ने उसको मरते हुए को बचा दिया, इसीलिए तब से ये लोग जो है इस वृक्ष में भगवान मानते हैं। बड़ा देव जिसे कहते हैं शंकर जी है ना, उसे मानते हैं और इसकी पूजा करते हैं सतत, और कभी नहीं काटते है ना। एक चीज बताइए कि इसको क्या कहते हैं? हिंदी नाम इसका साजा। और इसे क्या कहते हैं जंगल का? जंगल का मगरमच्छ है ना, और बड़ा देव भी मानते हैं लोग। ठीक है, चलो ठीक है। वाटर ऑब्जर्वेशन इसमें बहुत अच्छा होता है, मतलब ये जहाँ पर है